हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। अब देखिए किसके साथ क्या क्या लगता है इसमें। वाच किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। देखिए ही, शी, इट, नेम और आई, सिंगुलर पर्सन। ही, शी, इट, नेम, आई और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनके साथ हमारे क्या लगता है, वाज लगता है। और यू, दे, वी, प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ क्या लगता है, हमारे वर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अफर्मेटिव सेंटेंस इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका सबसे पहले आप लोगों को लेके आना सब्जेक्ट, उसके बाद आप लोगों को लेके आना वाज वर्ब, और उसके बाद लेकर आना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ठीक है, आगे देखिए अब इसके एग्जांपल। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, सबसे पहले आप लोगों को लाना है सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है, वाज। ही, शी, इट, नेम और आई के साथ क्या लगता है, वाज। वाज के बाद में क्या लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आई एन जी, पढ़ने मीनिंग रीड, रीड में लग जाएगा आई एन जी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा था, अपनी किताब। अब देखिए फ्रेंड्स, आई के साथ अपने की मीनिंग बनेगी माई, ही के साथ बनती है हिज, शी के साथ हर, दे के साथ दियर। ठीक है, इसी तरीके से आई के साथ बनेगी माई, तो क्या बना, आई वाज रीडिंग माई बुक। सेकेंड एग्जाम्पल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो दे, वे की मीनिंग दे, दे के साथ क्या लगेगा, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर। तो दे वर खेलने मीनिंग प्ले, प्ले में जुड़ जाएगा आई एन जी, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वी, यू, दे, वी के साथ क्या लगेगा, वर। तो वी वर याद करने को कहते हैं लर्न, क्या जुड़ जाएगा आई एन जी, तो वी वर लर्निंग, क्या याद कर रहे थे, अपना पाठ, अवर लेसन। फ्रेंड्स, इसमें ये अवर कहाँ से आया, देखिए जैसे मैंने अभी बताया आई के साथ माई बनता है, इसी तरीके से वी के साथ अपना की मीनिंग बनती है अवर, वी, अवर, अस, इस तरीके से, तो वी का बनेगा अवर, तो वी वर लर्निंग अवर लेसन। फोर्थ एग्जांपल, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, तो यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, मेरे नौकर को बुला रहे थे तो माई सर्वेंट। देखिए यहाँ पे यू देवी के साथ क्या लगता है, वर, तो यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। और एग्जांपल देखिए इसके, मैं गहरी नींद में सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, गहरी नींद में, इसको इंग्लिश में कहते हैं साउंडली, गहरी नींद में को क्या कहते हैं इंग्लिश में, साउंडली, तो आई वाज स्लीपिंग साउंडली। नेक्स्ट है, राम दीवार से कूद रहा था, पहचान का ध्यान रखना फ्रेंड्स, रहा था, रही थी, ऐसे चलता है पीछे, तो राम दीवार से कूद रहा था, तो राम वाज कूदने को कहते हैं जंप, क्या लग जाएगा आई एन जी, राम वाज जंपिंग फ्रॉम द वॉल। अब देखिए फ्रेंड्स इसके नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप लोगों के इसमें नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद आप लोगों के नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। देखिए इसमें क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाता है, इसमें नॉट आ जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसके, वे मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे, वे मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे, तो बस यहाँ करना क्या है, वाज वर्ब के बाद में आप लोगों को लगा देना है नॉट, वाज वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो देखिए एग्जाम्पल, दे वर नॉट कॉलिंग, बुलाने को कहते हैं कॉल, तो दे वर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। थर्ड देखिए, मैं गहरी नींद में नहीं सो रहा था, अभी आप लोगों ने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था मैं गहरी नींद में सो रहा था, तो आपका आंसर बना था आई वाज स्लीपिंग साउंडली, लेकिन नहीं सो रहा था तो क्या लगाना पड़ेगा, वाज के बाद नॉट लगा दो। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल, बस वाज वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है इसमें। फिफ्थ एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, अगर ये होता मैं स्कूल जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, नहीं जा रहा था तो क्या बनेगा इसमें, नॉट गोइंग टू स्कूल। आगे देखिए, मैं मुंबई नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, वह नहीं खेल रही थी, देखिए इसमें ही नहीं आएगा वह की मीनिंग, शी आएगा, क्योंकि कहाँ से पता चल रहा है, रही थी, तो शी वाज, ही, शी, टू, नेम,
और आई के साथ वाज लगता है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, वाज। तो शी वाज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल, गुड़िया से खेल रही थी या गुड़िया के साथ खेल रही थी, क्या लगेगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, विद हर डॉल, अपनी, अब शी के साथ मैंने आपको बताया था अपना ये सेकंड वाला रूप है शी का, देखिए शी हर हर, तो सेकंड वाला जो हर है वो आ जाएगा अपना मीनिंग। थर्ड देखिए, गाय घास नहीं चर रही थी, तो द काउ वाज नॉट, देखिए काउज नहीं है ये, सिंगुलर है काउ, तो वाज लग जाएगा, द काउ वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, वाज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। फोर्थ देखिए, वे बाजार नहीं जा रहे थे, वे बाजार नहीं जा रहे, तो दे वर, वर के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट गोइंग टू मार्केट। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ये फॉर्मूला है इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है, उसके बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसके एग्जांपल आगे, सबसे पहले इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब वाले जो इनमें मैंने आपको बताया, जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वो हिंदी वाक्य में वो किस तरीके से बनेगा सेंटेंस, क्या से शुरू हो जाएगा, किससे शुरू हो जाएगा, क्या से शुरू हो जाएगा। देखिए, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो करना क्या है आपको, वाज वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। तो वर पहले, वर क्यों आया, हम की वजह से, वर क्यों आया, हम की वजह से, तो वर वी गोइंग टू द मार्केट। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो मोहन की वजह से क्या आ जाएगा स्टार्ट में, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आपका मोहन, गाली देने को इंग्लिश में कहते हैं एब्यूज़, क्या कहते हैं, एब्यूज़, और ing जुड़ जाएगा तो एब्यूजिंग हिज सर्वेंट, अपने। अब देखिए यहाँ पे हिज क्यों आया है, हिज आया है मोहन, मोहन को आप लोग मान सकते हो, ही क्या बनाओगे, मोहन का ही, और ही का क्या बनेगा, संबंधवाचक, अपना की मीनिंग क्या बनेगी, हिज, ठीक है। आगे देखिए, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो सबसे पहले वह की वजह से क्या आ जाएगा, वाज, ही, याद करने को कहते हैं लर्न, क्या जुड़ जाएगा, ing, वाज ही लर्निंग हिज लेसन। फिर से वही देखो बात आई है, हिज किसकी वजह से आया, ये ही की वजह से। और एग्जांपल देखिए इसके, क्या वे मेरे नौकर को बुला रहे थे, तो बे की वजह से क्या लग जाएगा यहाँ पे स्टार्ट में, वर, बुलाने को कहते हैं कॉल, क्या जुड़ जाएगा, ing, तो वर दे कॉलिंग, किसको बुला रहे थे, मेरे नौकर को, तो माई सर्वेंट। आगे देखिए आप wh वर्ड वाले, इसका क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले wh वर्ड, ये wh वर्ड को लिख देना होता है, ये काम लेते हैं आप लोगों को हिंदी वाक्यों के बीच में, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो इनकी मीनिंग लिख देनी है आपको, बाकी फार्मूला हेल्पिंग वर्ब से जो अभी आपने बनाए थे वैसे के वैसे बनता है। तो सबसे पहले wh वर्ड लिख देंगे, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल से समझते हैं, तुम क्यों मुझे गाली दे रहे थे, देखिए इसमें क्या आ गया हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ गया, क्यों, इसको आप लोग, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे, क्या तुम मुझे गाली दे रहे, तो आपका आंसर बनता वर यू एब्यूजिंग मी। अब उसने बोल दिया क्यों, तो क्यों की मीनिंग और लिख दो बस स्टार्ट में, किसकी मीनिंग लिख दोगे, क्यों की, तो वाई वर यू एब्यूजिंग मी। और देखिए एग्जांपल इसके, राम कब सेब खा रहा था, इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, क्या राम सेब खा रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा वाज राम ईटिंग एप्पल, वाज राम ईटिंग एप्पल, लेकिन उसने बोला कब खा रहा था, तो कब की मीनिंग लिख दो स्टार्ट में, वैन। इसके अदर एग्जांपल देखिए इसके, तुम ट्रेन से क्यों जा रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया यहाँ पे वाक्य के बीच में, क्यों, क्या तुम ट्रेन से जा रहे थे, तो आपका आंसर बनता वर यू गोइंग बाई ट्रेन, लेकिन उसने क्यों बोल दिया, तो स्टार्ट में किसकी मीनिंग लिख दोगे, वाई की। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ रही थी, इसमें देखिए क्या सपना सुबह अखबार पढ़ रही थी, तो आपका आंसर बनता वाज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, लेकिन उसने बोल दिया क्यों, तो क्यों की मीनिंग और लिख दोगे, वही वाज सपना रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। राम अमेरिका में क्यों रह रहा था, अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलता, क्या राम अमेरिका में रह रहा था, तो आपका आंसर बनता वाज राम लिविंग इन अमेरिका, लेकिन उसने बोल दिया क्यों, तो आप क्या बोलोगे स्टार्ट में, वही लगा दोगे, वही वाज राम लिविंग इन अमेरिका। आगे देखिए अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनको समझो, इनमें क्या करना होता है, इनमें आप लोग बस एक फार्मूला याद रख लो कि नॉट जो लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट के, और तुम लोगों के जो मेन वर्ब होती है खाना पीना सोना हंसना रोना सीखना, इन मीनिंगों के बीच में लगाते हैं, सब्जेक्ट के और इन मीनिंगों के बीच में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, चाहे वो अपने wh वर्ड वाला हो,
इनमें ध्यान रखना है, जब नेगेटिव नॉट लगाने की आवश्यकता पड़े इनमें तो आप लोगों को कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में। बस आपको मैंने जो पहले बताया था कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन वालों में वहाँ नॉट को कहाँ लगाते हैं, बीन से जस्ट पहले, जो आप लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं करना है, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में हम लोग नॉट को लगाते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग विद यू। तो यहाँ पे देखिए सब, अगर मैं इसको ऐसे बोलता क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा था, तो आपका आंसर बनता वाज आई गोइंग विद यू, वाज आई गोइंग विद यू इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, नॉट जोड़ना है अपने को, तो क्या है सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में जोड़ देंगे, तो सब्जेक्ट और गोइंग के बीच में जोड़ देंगे। मैं अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखनी पड़ेगी आप लोगों को, वही। उसके बाद देखिए वाज, जो अभी पहले अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सेंटेंस बनाए थे उसी की तरह बनना है इनको भी, वही वाज। उसके बाद में बस नॉट का ध्यान रखना है सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में, मेन वर्ब है अपनी लर्निंग और सब्जेक्ट हो गया अपना ही, तो इनके बीच में क्या जुड़ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तब तक के लिए नमस्कार।